भाई हालात देखो, हालात नहीं भाई, बीएस इज बेस्ट ऑप्शन। हेलो, फिलहाल आप देख रहे हैं मैं बीएस मरवाड़ी जंक्शन पे आ चुका हूँ, मतलब बनारस रेलवे जंक्शन पे आ चुका हूँ। मैं निकला हूँ आज दिल्ली के लिए और कुछ ऐसा नज़ारा है, हालात देखो हालात। मुझे अचानक से दिल्ली निकलना पड़ रहा है दोस्तों, तो ये वीडियो कुछ खास होने वाली है। और मेरा प्लान बन रहा था फ्लाइट से, लेकिन मैं निकल चुका हूँ ट्रेन से। मैं आऊँगा, कोशिश करूँगा फ्लाइट से। बैक कैमरे से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए D2 हालात, देखिए हालात, सब लोग कैसे, क्या बताऊँ यार, इंडियन रेलवे ऐसे ही रहता है साला। फिलहाल मैं बनारस में, बनारस अभी मैं आगे बताता हूँ आपको कि क्या होने वाला है। लोगों को ना ये लगता है कि टूरिज्म बहुत आसान चीज़ है ना, टूरिज्म इज नॉट ए, हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू, इट्स वेरी टफ फॉर मी एंड फॉर एनीवन हु नो एंड हु लाइक द ट्रेवल। राइट नाउ आई एम जस्ट ऑन द वे और दिल्ली बहुत दूर है, अभी भी मैं ट्रेन में हूँ और पिछले लास्ट नाइट मैं इस स्टेशन पर ट्रेन पकड़ा और सोचा कि मैं समय से पहुँच जाऊँगा, बट अभी भी ट्रेन डिले है। अदरवाइज चीज़ें क्या होती हैं जो हम लोग सोचते हैं वो कदापि नहीं होती है। मैं कुछ सोच के कदम रखा था लेकिन चीज़ें वैसी हुई नहीं, बाकी आई डोंट नो आगे क्या होगा। अभी भी टाइम हो चुका है आपका 9:13, अभी भी हम ऑन द वे ही हैं, अभी भी ट्रेन रुक रुक के चल रही है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ऑफिस की चीज़ें तो 10 बजे ही ऑफिस खुलेगा वहाँ पे, अब बाकी वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा। नहीं मत देखा, ये आज भाई आ गया और दिल्ली का।